ये हमारा लोटस का LT2500 मिक्स वैल्यू नॉट काउंटिंग मशीन है जो कलर सेंसर पे वर्क करता है। ये स्टार्ट होगा मिक्स मोड में। इसमें आपको कोई भी नोट देगा तो आपको पहले नोटों को सीधा करना रहता है। नोट ऐसे फोल्ड आएंगे तो इसको ऑपोजिट पहले फोल्ड करके एकदम प्रॉपरली स्ट्रेट कर लीजिए आप। इसमें हर नोट में गांधी जी आपके सामने होने चाहिए और इसको सीधा नहीं रखना है, ऐसे सुला के और फिर इसको फ्लिप करना है पीछे के साइड में। आइए एक छोटा डेमो देखते हैं कैसे यूज़ होता है। इसमें E10 या E63 लिख के आएगा तो नीचे पड़ा हुआ आखिरी नोट 100% नकली होगा, नए 100 से 2000 तक का। और अगर पुराने 100 में सिल्वर स्ट्रिप है या 10, 20, 50 पुराने नोट में तार नहीं है तो वो नोट ओके है, लेकिन 2005 पहले का है उसको भी ये नकली बोलेगा, उसको ये काउंटिंग में नहीं लेगा। ये 132 रुपीज़ हुआ, 19,620 रुपये हुआ, कौन कौन से नोट डिनोमिनेशन थे वो सब यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा। अब अगर अपने करेंसी में सब कलर डिफरेंसेस रहते हैं, घसे हुए फटे हुए मतलब ऐसे सॉरी घसे हुए कलर डैमेज हुआ हुआ नोट रहेगा अंदर, ये ऐसे सब कुछ, तो इसको गांधी जी हमें सामने रखना है। अगर मे भी बने कि आप 500 की नोट गिन रहे हैं और कोई एक नोट अंदर 100 की बोल रहा है तो ये पूरा 500 का बंडल गिना हमने, 84 पीस होने चाहिए थे, क्यों 41,600 गिना इसने। अब मैं इसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, मुझे 100 की नहीं दिख रही है, तो आप इसमें शॉर्ट मोड यूज़ कीजिए। ये शॉर्ट मोड है, यहाँ पे शॉर्ट मोड में क्या होगा, जो पहली नोट रहेगी वही वैल्यू रहेगी निकली हुई, मतलब 500 की नोट तो 500 ही गिनेगा, अंदर दूसरी कोई नोट आई तो मशीन रोक देगा। अभी मशीन ने रोक दिया, अभी बोल रहा है कि ये अंदर डिफरेंट नोट है, तो आप इसको चेक कर लीजिए। अगर 100 का है तो आप रिटर्न कर दीजिए, 500 का नोट ही है ये जो अटका है, तो इसका साइज कलर आपको चेक करना है। उठा कर रख दिया, ये स्टार्ट हो जाएगा। ये 83 पीस इसने गिने, अब वापस मैं इसमें नकली डाल रहा हूँ अंदर और मिक्स मोड में गिनूंगा। तो डुप्लीकेट के साथ ये 84 पीस हुए। अगर ऐसा कोई पुराना बंडल आया है तो मुझे डुप्लीकेट नहीं पकड़ना है, 2005 पहले का भी नहीं पकड़ना है, मुझे सिर्फ पेपर गिनना है नंबर ऑफ पीस। तो आप काउंट फंक्शन यूज़ कीजिए, काउंट के अंदर ना डुप्लीकेट पकड़ेगा ना 2005 पहले का, 100% पूरे पेपर गिन के बताएगा। पहले इसने 83 गिना था, अभी 84 गिन रहा है, मतलब डुप्लीकेट या 2005 पहले का कुछ भी रहा तो वो इसको काउंट में ले लेगा। अभी इसके अंदर और फंक्शन रहेंगे, ये ऐड है, ऐड में क्या होगा कि आप नोट गिन रहे हैं उसको कंटिन्यू वो ज़ीरो नहीं करेगा, ऑलवेज पास्ट काउंटिंग में ऐड कर देगा। अब आप कुछ भी नया बंडल रखेंगे ना तो ये ज़ीरो हो रहा है, तो इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे यहाँ पे ऐड लिख के आएगा, अब ये ऐड होता रहेगा, फर्स्ट बंडल के बाद सेकंड बंडल जब हम रखेंगे तो उसको वो ऐड कर देगा, ये ऐड हो गया, ये ज़ीरो नहीं किया इसने। ये ऑटो मैन्यूअल है, ऑटो में क्या होता है यहाँ पे रखा तो मशीन चालू हो जाता हो कुछ भी, और किसी को अनकम्फर्टेबल हो और नहीं रख पा रहा हो तो ये मैन्यूअल फंक्शन भी यूज़ करता है। ये ऑटो है, ये मैन्यूअल कर दिया हमने, अब इसको ऐसे रख के फ्लिप करना है बैक साइड, ये तरीका है रखने का। अब फिर धीरे से स्टार्ट का बटन दबाइए तो नोट खींचना शुरू कर देगा। प्लस सेट माइनस हमारे यूज़ के लिए रहेगा, कुछ भी प्रोग्रामिंग में अपसेट या कुछ हुआ तो। मिक्स मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट हो गया। बैच, बैच यूज़फुल फंक्शन है। बैच आपको दो टाइप से यूज़ होगा, अगर मिक्स में यूज़ किया बैच तो यहाँ पे वैल्यू निकालेगा, वैल्यू इन द सेंस 50,000 रुपये है, मुझे उसमें से 35,500 निकालने हैं, 35500। ध्यान रखिए बैच ऑन होगा उसके बाद ये शब्द काम नहीं करेंगे, ये नंबर यूज़ होंगे सारे। अगर बैच ऑन किया उसके बाद सब नंबर यूज़ होंगे अंदर। ये 3500 यहाँ पे फिर निकाल देगा, ये 3500 हुआ, दिखाएंगे रिमूविंग बंडल चालू हो जाता है इसमें। यही चीज़ हम अगर हम शॉर्ट में यूज़ करेंगे, बैच बंद कर दिया, शॉर्ट में जाऊँगा तो शॉर्ट में ये पीसीज निकालेगा, 100, 50, 20, 10, 1 ऐसे, या ऑड फिगर करना है तो आप यहाँ से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यूज़ करना है 42, तो 42 कर दिया यहाँ पे,
42 पीस निकाले हैं। आप इसको बंद करना है तो कंटिन्यू इसे दबा के वन आके ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये CF कुछ यूज़फुल नहीं है। करेंसी ऑप्शन दिया हुआ है USD, यूरो, INR। अब अगर इसमें आपको वॉइस ऑन ऑफ करना है तो आप मशीन को बंद कर दीजिए, स्टार्ट का बटन दबा के रखिए लॉन्ग की, और इसको ऑन कीजिए तो ये लॉन्ग बीप बोलेगा, ये भी आपका वॉइस ऑन हो जाएगा। अब आप कुछ भी गिनेंगे तो ये सब वॉइस करेगा। अगर आपको वॉइस वापस बंद कर देना है तो मशीन बंद कर दीजिए, स्टार्ट का वॉइस बटन दबा के रखिए और मशीन को ऑन कीजिए, या आपका वॉइस लॉन्ग बीप आने पे बंद हो जाएगा। अब अगर इसको आपको साफ सूफ करना है या फिर नोट फंस गए उसको निकालना है तो वो हम कैसे करेंगे, आप मशीन बंद कर दीजिए, ये हैंडल को यहाँ सेंटर से उठाना है और इस ढक्कन को पुल अप करना है, ये खुल जाएगा ऐसे। अब आपको यहाँ पे सब डस्टिंग रहेगा तो आपको ब्रश आता है साथ में, उससे क्लीन करना है और एयर ब्लोअर से सब डस्ट को वीकली क्लीन करना कम से कम ज़रूरी है। और नोट अगर फंस गए तो इस टायर को आप ऐसे ऐसे मूवमेंट करके आप नोट बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ये नोट है, सपोज़ ये फंसा हुआ है, अभी ये अटक गया था बीच में, अब मुझे इसे बाहर निकालना है तो ये कैसे जाएगा, तो आप ऐसे ऐसे करके कहीं से भी आगे या पीछे से बाहर निकाल सकते हैं। इसको वापस बंद करना है तो आप हैंडल पीछे करके ढक्कन को हल्का सा प्रेस कर दीजिए, बंद हो जाएगा। ध्यान रखिए ये हैंडल जो है यहाँ पर ढक्कन पर लॉक होना चाहिए, ये ऐसे लॉक होगा, ये ऐसे नीचे नहीं रहना चाहिए, ये ऐसे लॉक कर देना है। ये था हमारा लोटस का LT2500 का फुल फंक्शनेबल वीडियो।